बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर क्या हम बीएससी का जो रिज़ल्ट आया उसमें हमारी सप्ली आई है तो उसको ये जो 40 दिन बाद एग्ज़ाम्स होने हैं अगर तब हम ना देना चाहें और आगे जो मई जून में हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स होने हैं बीएससी के जिन बच्चों के उनके साथ अगर हम दाखिला भिजवा के अपनी सप्ली क्लियर कर दें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अगर आप अभी एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते तो आप एनुअल के साथ एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, बशर्ते ये कि आपका आखिरी चांस ना हो। अगर आपने पहली दफ़ा पेपर दिए थे और आपकी सप्ली आ गई तो आप एनुअल के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पहली दो दफ़ा सप्ली आ चुकी है और आप क्लियर करते हुए आपकी क्लियर नहीं हुई है दोबारा सप्ली आई है तो आपके रिमार्क्स में लिखा होगा आपका लास्ट चांस है, तो तब आपको अभी पेपर देने होंगे। लेकिन जिनकी अभी पहली दफ़ा सप्ली आई है तो वो आगे एनुअल के साथ भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं अगर वो अभी नहीं देना चाहते तो। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।